प्रेम से बोलिए जय माता रानी की। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने वर्ष 2024 में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना अर्थात कलश स्थापना की मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी इस तरह की कोई भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आदरणीय दर्शकों, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को बासंती नवरात्रि प्रारंभ होती है। इसी दिन कलश की स्थापना की जाती है। इसमें सूर्योदय व्यापनी प्रतिपदा तिथि ली जाती है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि प्रातः काल देवी का आवाहन करें, प्रातः काल ही स्थापना करें और प्रातः काल ही पूजन करें तथा प्रातः काल ही विसर्जन भी करना चाहिए। रुद्रयामल में स्थापना आदि की दृष्टि से सूर्योदय से 10 घटी अर्थात सूर्योदय से 4 घंटों की अवधि प्रातःकाल मानी गई है। साथ ही चित्रा नक्षत्र एवं वैधृति योग को वर्जित माना गया है। 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा उदय व्यापनी है, अतः इसी दिन अर्थात 9 अप्रैल को प्रातःकाल घट स्थापना होनी है। इस दिन वैधृति योग दोपहर के 2:18 तक है। ऐसी स्थिति में मन में दुविधा उत्पन्न होगा कि प्रातःकाल कलश की स्थापना करना है लेकिन दोपहर के 2:18 तक वैधृति योग है, इसे भी बचाना है। अब निर्णय सिंधु के कथनानुसार अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना की जा सकती है। निर्णय सिंधु में उल्लेख प्राप्त होता है, संपूर्णा प्रतिपद्दी विचित्रा युक्ता यदा भवेत वैधृत्या व्यापी युक्ता स्यात् तदा मध्य दिने रवो अभिजित्तो मुहूर्त तत्रत स्थापन मिश्यते। यह निर्णय सिंधु पर उल्लेख प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार पर 9 अप्रैल 2024 को वैधृति योग होने के कारण अभिजीत मुहूर्त में बासंती नवरात्रि घट स्थापना हेतु उपयुक्त समय होगा, इसलिए आप उस दिन अभिजीत मुहूर्त में ही कलश की स्थापना कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम भारतवर्ष के प्रमुख नगरों के लिए कलश स्थापना की मुहूर्त दे रहे हैं। इन स्थानों से अलग स्थान पर यदि आप रहते हैं और कलश की स्थापना करना है तो हमारी सूची में दिए गए नगरों के समीप वाले नगर को देखिए और उसी के अनुसार पर उस समय का अनुसरण करते हुए अपने घर में, अपने पूजन स्थल में माता दुर्गा की स्थापना एवं कलश स्थापना करके पूजन अर्चन कीजिए। दिल्ली में 11:56 से 12:47 तक, मुंबई में 12:15 से 13:04 तक, कोलकाता में 11:12 से 12:02 तक, चेन्नई में 11:46 से 12:35 तक, जम्मू में 12:06 से 12:57 तक, शिमला में 12:07 से 12:58 तक, चंडीगढ़ में 11:58 से 12:49 तक, जयपुर में 12:02 से 12:53 तक, गांधीनगर में 12:15 से 13:05 तक, लखनऊ में 11:42 से 12:32 तक, वाराणसी में 11:34 से 12:24 तक, भोपाल में 11:56 से 12:46 तक, देहरादून में 11:53 से 12:44 तक, रायपुर में 11:07 से 11:57 तक, रांची में 11:24 से 12:14 तक, पटना में 11:25 से 12:15 तक, भुवनेश्वर में 11:22 से 12:12 तक, गुवाहाटी में 10:49 से 11:49 तक, बेंगलुरु में 11:56 से 12:45 तक और हैदराबाद में 11:52 से 12:42 तक।
इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने वर्ष 2024 के चैत्र नवरात्रि में कलश की स्थापना एवं माता दुर्गा की स्थापना के मुहूर्त के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि सभी लोग सही समय पर सही मुहूर्त पर कलश की स्थापना करते हुए माता दुर्गा का पूजन अर्चन करके पुण्य के भागीदार बन सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की, जय माता रानी की, जय जय गुरुदेव।